हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज से 20 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई जिसे जादुई फिल्म कहेंगे तो गलत नहीं होगा। एक धमाकेदार कास्ट, एकदम जादुई डायलॉग जो कहा जाए हर किसी की जुबान पर है, एक खूबसूरत गाने, उसके बाद एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। और फिल्म रिलीज के बाद आलम यह था कि कहा जाए नौ नौ शो होते थे, उसके बाद भी हजारों की भीड़ थिएटर के अंदर बैठी होती थी और हजारों की भीड़ उसके साथ खड़ी होती थी, और ट्रक में भर भर कर लोग थिएटर के बाहर जाकर इंतजार करते हैं कब उन्हें टिकट मिले और फिल्म देखेंगे। जी हाँ, बात कर रहा हूँ गदर की, और फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है अनिल शर्मा सर, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत कैसे हैं आप भाई साहब? बस बढ़िया कोरोना बढ़िया काल है, सर, आप कैसे? परवाह ठीक है आपका? ऑल वेल, एवरीथिंग इज फाइन। जी सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, और कोरोना के इस काल में सभी फॉलो कर रहे हैं सारे जो नॉर्म्स है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत जरूरी है, ख्याल रख रहे और हैं। आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा भाई साहब, फिर से लोगों ने सब बाहर निकलना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन और सन्नाटा रखे, थोड़े दिन और घर में रहें, क्योंकि ये महीना गुजर गया तो सब बढ़िया हो जाएगा। थोड़े बिल्कुल और सर रखें जी, आज सर हम जी। सेलिब्रेट कर रहे हैं गदर का 20 साल, जो कि गोल्डन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम ऐसा कोई वक्त नहीं होता या कोई ऐसा खास मोमेंट नहीं होता जब हम उसके गाने ना सुने, और कहीं टीवी पर जब फिल्म दिखाई जाती है तो हमारी नजर कहीं ना कहीं वहां रुक जाती है, हम वो फिल्म लगातार देखने लगते हैं। आपके लिए कितनी क्लोज है ये फिल्म? देखिए, मेरे तो दिल से निकली है और लोगों के दिल तक पहुंची है, तो फिल्म तो मेरे बहुत क्लोज है। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि मेरे से भी ज्यादा दर्शकों के क्लोज है। अभी सुबह ही मैं कोई रेडियो इंटरव्यू कर रहा था, किसी आरजे से बात हो रही थी, वो लड़की पंजाबी थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर, मैंने तो 200 दफे देखी फिल्म बचपन से लेके वाह, आज तक। तो मैंने कहा, मैम ये फिल्म अब आपकी है, मेरी थोड़ी, ये 200 तो मैंने भी नहीं देखी, तो ये फिल्म दर्शकों की है। एक दर्शक ने तो मुझे बोला, मैंने सर 800 दफे ये फिल्म देख चुका हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ, 800 समथिंग के उसने मुझे फिगर बोली थी। बोले मैं देखते ही रहता हूँ, जब टीवी पे आती है देखता हूँ, नहीं तो डीवीडी पे देखता था, नहीं तो वैसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ और गाने देखता हूँ, मैं तो ये फिल्म देखता ही रहता हूँ। दिस बिल्कुल फिल्म इज सर, माई, तो क्या है कि ये फिल्म अब मेरी रही कहाँ। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने तो एक फिल्म बनाई थी, लोगों ने इसे उत्सव बना दिया, लोगों ने बना दिया कि ये एक आइकॉनिक फिल्म है, एक उनके हृदय की सबसे करीब फिल्म है, भारत की तीन चार फिल्मों में से एक फिल्म है, इसका फुटफॉल उन्होंने सबसे ज्यादा कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई जो बनाता ही रहता हूँ। बिल्कुल सर बिल्कुल, और आज भी हम फिल्म देखते हैं तो कहीं पुराना सा नहीं लगता, बस हम खो जाते हैं उस फिल्म में, और वो डायलॉग जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स थे कि जो हर किसी के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और सर अगर बात करूं तो 20 साल पहले आज का जो दिन था, कुछ याद है? नींद आई थी उस अरे रात को पूरी जब तरह फिल्म याद रिलीज होने वाली है, थी? पूरी तरह याद है। बारिश हो रही थी और ओके रात को हम प्रीमियर से आए थे, और एक दिन पहले उड़ीसा वगैरह कई जगह रिलीज हो गई थी, ऑलरेडी पब्लिक में पागलपन हो गया था, और एक दिन पहले पब्लिक में पागलपन हो गया था और हंगामा हो गया था, और रात को प्रीमियर था, और एक रात पहले यानी थर्सडे को, और सनी सर और हमारे बीच में बात हुई थी कि जो रिजल्ट हमने सोचा है, सनी सर कभी ड्रिंक लेते नहीं है, मैं भी नहीं लेता, तो उस दिन एक पैग जरूर लगाएंगे। तो ताज में पार्टी थी, हम दोनों ने चीयर्स किया था। अभी सनी सर ओके यूएस, और मैंने अभी उनको बोला सर बधाई हो, और आज आप होते तो आज फिर एक पैग लगाते, 20 साल हो गए हैं। तो ये सब बातें हैं। तो हम 11:30 के शो में तैयारी करके हम शान पिक्चर में देखने गए थे, और शान पिक्चर हाउसफुल थी, बवाल हुआ पड़ा था, हमें ही टिकट बड़ी मुश्किल से मिली, मैनेजर से बड़ी रिक्वेस्ट करके, मैंने पहले बोला नहीं था, मैंने मिल जाएगी टिकट, बोल देंगे ओके मिल हाँ जाती, मैनेजर बोला सर नहीं, फिर मैंने कहा तू कुर्सी लगा दे भाई, फिर उसने कैसे भी तीन चार उसके अपने दोस्त थे उनको हटाया, उनको कुर्सी दी, और हमको हमारे परिवार को 5-6 सीटें दे दी, और हमने पिक्चर देखी, हमने पिक्चर देखी, और पब्लिक का जो हिस्टोरिक मोमेंट था। फिर शान देखने के बाद मैं गया मराठा मंदिर, सीधा मराठा मंदिर में 3 बजे का शो था, मैं देखना चाहता था वहां सारे ऑडियंस होती है, वहां क्या था? तो मनोज देसाई साहब मुझे ले गए इंटरवल के बाद, हम लोग स्टॉल में खड़े होकर पिक्चर देख रहे थे, और सीन आया हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला, सीन आया कि मेरे देश में आपके देश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और उनके दिल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से धड़कते हैं। तो आपने कभी देखा है कि पब्लिक जो है थिएटर की सीटों पर खड़ी हो जाए? 1,000 आदमी पब्लिक की सीटों पर खड़ा था, और उसमें से ज्यादा 95% से मुस्लिम ऑडियंस थी, उनका दिल गदगद हो गया था। और मुझे मुझे लगा
मेरी मुझे सफलता मिल गई, मुझे लगा मेरा, मुझे डर था कि कहीं किसी को बुरा तो ना लगे, पर मैंने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे भारत के हैं, और जो भी लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, जो भी लोग बेमतलब की बातें करते हैं, मैं बता दूं जितना देश मेरा है उतना देश उनका है, सबका है। और मैंने गदर में ये महसूस किया, और गदर ने यही संदेश भारत के हर देशवासी को दिया कि भाई जो आपका है वो मेरा है, वो मेरा है वो आपका है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान मेरा मित्र है, पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है, प्यार से रहेगा तो हम सारे सुख बांटेंगे, प्यार से नहीं रहेगा तो हम ठीक है, फिर जय होगा देखेंगे भुगतेंगे जो भी जो है। बिल्कुल बिल्कुल, विजन की अगर बात की जाए सर, तो पॉसिबल ये होना आज की डेट में किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये इम्पॉसिबल लगता है, ये मतलब हर एक चीजें सही तरह से गढ़ी हुई थी इस फिल्म में, ये विजन कैसे पॉसिबल हो पाया, और क्या पहली चॉइस सनी देओल ही थे इस फिल्म के लिए? ये स्क्रिप्ट क्या बोल रहे हैं, आपका सवाल नहीं समझा। ये विजन जो था आपकी फिल्म का, आप फिल्म थी आपकी, ये आज के डेट में कहा जाए तो पॉसिबल ही नहीं, इतनी सारी चीजें एक तरफ सब इतनी कहा जाए सटीक होना, तो फिल्म का विजन कैसे आया और फिल्म का विचार कैसे आया कि हम, मुझे पार्टीशन पे एक फिल्म बनानी थी, हम लोग बहुत ढूंढ रहे, बड़ी मुश्किल से ये कथा कहानी मिली, जिस दिन ये कथा कहानी मिली हमको लगा कि यही बनाना है, बस घुस गए इसमें। अब एक बार कथा राइट मिल जाती है तो फिर सफर बहुत आसान हो जाता है, पर एक साल हम लगे रहे इसकी स्क्रिप्ट डायलॉग मैं और शक्तिमान जी करते रहे करते रहे करते रहे, और बस सफर आसान हो गया, और फिल्म डिफिकल्टीज बहुत आई, मेकिंग आसान नहीं थी, सब कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा मिल गई, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, अच्छी हमें सनी देओल साहब मिल गए, अच्छी एक्ट्रेस मिल गई, नई लड़की थी अमीषा पटेल वो हमें मिल गई, और सब कुछ अच्छा हो गया, वो बच्चे के लिए ग्रुप में जीते मेरा ही बेटा था वो मिल गया उत्कर्ष, तो अमरीश जी मिल गए, और म्यूजिक मिल गया उत्तम सिंह जी, आनंद बख्शी जी सब मिल गए, तो जी स्टूडियो मिल गया जिसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सपोर्ट दिया, तो सब होता चला गया, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मैंने सुना है सर आपके इंटरव्यू मैंने देखे थे, कहा जाए गदर जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त क्रिटिक्स से कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था फिल्म को, क्या वो अफेक्ट करता था आपको उसको? ये कुछ अफेक्ट नहीं करता, पब्लिक की ताली पड़ जाए उसके बाद कुछ अफेक्ट नहीं करता, देखिए क्रिटिक का काम उसकी अपनी मानसिकता होती है, ऐसा नहीं है सब, बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की, इतनी ज्यादा तारीफ की कि 5-5 स्टार दिए, आउट ऑफ द वर्ल्ड तारीफ की, कुछ लोगों ने गटर भी बोल दिया, तो क्या करें, तो जैसी जिसकी मानसिकता, जैसा जिसको लगा उसने बोला, कम से कम ईमानदारी से तो बोला उसको जो लगा उसने बोला, तो मैं उनको भी बधाई जिसने बुरा बोला, उनको भी बधाई जिन्होंने अच्छा बोला, आज गदर उनकी भी उतनी है जिन्होंने उसकी बुराई की, अब वो भी 10-10 दफे देख चुके, मुझे मिलते हैं बोले हमने तो बहुत दफे देखी सर सॉरी पता नहीं क्यों ऐसा लगा, क्या इन्फ्लुएंस में हम कह गए, उस वक्त की बात अलग है, बहुतों ने बिना देखे ही रिव्यू लिख दिए सुन के इधर उधर से, जो बाद में कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि सॉरी, तो ये होता है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, चीजें हैं, चलती हैं, रिव्यू को आप जानते हैं, रिव्यू किस लिए है, रिव्यू कि मैं अब क्या उसकी बात खोलूं, आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, आप सब जानते हैं जी। खैर साथ ही साथ अगर आपके विचारों की बात की जाए, आपके थॉट की बात की जाए, तो आपकी हमेशा से स्पेसिफिसिटी रही है कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसकी सीक्वल तक सोचते हैं, लेकिन गदर की सीक्वल का हर किसी को इंतजार है, तो वो इंतजार कब खत्म होगा आपका, 20 साल अब बीत चुके हैं। गदर का जो सीक्वल है ना, गदर मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, इनकी सीक्वल नहीं बन सकती, गदर जो है, गदर इतनी बड़ी फिल्म है कि उसका सीक्वल आसानी से नहीं बनेगा, मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ, सनी के तारा सिंह के करेक्टर को पब्लिक इतना देखना चाहती है, इतना देखना चाहती है, रोज मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, अभी जब से गदर 20 ईयर की बात हुई, हर प्रश्न का कोई मुझसे यही प्रश्न कर रहा, और मैं सबको एक ही जवाब दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास इमोशंस का बॉम्ब आ जाए, जिस दिन मेरे पास ड्रामे का बॉम्ब आ जाएगा, ग्रैंजर का बॉम्ब आ जाएगा, रियलिज्म का बॉम्ब आ जाएगा, उस दिन मैं फोड़ दूंगा, जिस दिन गदर 2 अनाउंस हो, अगर हुई तो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिस दिन हुई तो, आप सोच रहे हैं मेरे पास इमोशन का बॉम्ब है, ड्रामे का बॉम्ब है, ग्रैंजर का बॉम्ब है, रियलिस्टिक एटमोसफियर का बॉम्ब है, तो मैं फोड़ दूंगा, नहीं तो मैं गदर जैसी पिक्चर को पार्ट 2 बना के गदर की लेगेसी को समाप्त नहीं करना चाहता। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा उस, जैसे अपनी का मुझे मिल गई कहानी,
सेम करेक्टर बलदेव सिंह की फैमिली मिल गई तो अपने टू अनाउंस कर दी ना मैं, जैसे जिस दिन गदर का मिल जाए कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ हमने नोटिस किया हमेशा कि आप और सनी सर का जो बॉन्ड है ना काफी क्लोज रहा है, काफी करीबी रहे हैं आप दोनों के बॉन्ड। क्या है जो आप एक दूसरे के करीब लाता है, एक दूसरे के और पास लेकर आता है? हम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, धर्म जी से मेरे बहुत घर जैसे रहे हैं, सनी से भी वैसे, पूरा परिवार ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है डियोर्स का परिवार। अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनी जाते, उनकी अच्छाई एक रीजन है और कुछ नहीं। बाकी कलाकार तो अच्छे हैं ही और फिल्मों में सूट भी करते हैं, ये सेकंड चीज होगी, क्योंकि इंसान बहुत सोने जैसे है। So, आने वाले दिनों में क्या कुछ फिल्में हमें देखने मिले? खैर थोड़ी समय की थोड़ी पाबंदी है, कमी है थोड़ी समय की, थोड़ा हम सब अपने टू करेंगे, अपने टू देखने को मिलेगी जिसमें सनी है, धर्म जी है, बॉबी है और करण डियोल भी है। ये डियोल लेगेसी पहली बार चारों एक साथ आ रहे हैं और मैं चारों को एक साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ, सबको सोलो सोलो किया, मुझे फॉर्चुनेट है, मुझे अवसर मिला है ईश्वर की कृपा से कि चारों को भी एक साथ मैं कर रहा हूँ। सो अपने टू विद स्वाम रॉक स्टार वी आर वर्किंग एंड लेट्स सी हम अपने वन की एक्सपेक्टेशन को सब पूरा कर सके, मुझे पूरी उम्मीद है। वही बॉक्सिंग बैकड्रॉप है, वही सब कुछ है, ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल, उसका इंतजार है। खैर जाते आते हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फैन हैं, जो गदर के डायहर्ड फैन हैं, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई गदर को आपने बहुत प्यार दिया, मेरी नहीं ये आपकी फिल्म है, मैंने तो फिल्म बनाई थी, आपने दुनिया बना दी मेरी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनिल सर, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपका जो धमाका है, ये जो गदर है, हमेशा बरकरार रहेगा और एक बार फिर से आपको गदर के 20 साल होने पर बधाई और आप ऐसे ही फिल्म बनाते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।